सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आई एम रियली सॉरी, मैं कल दो दिनों से वीडियो नहीं बना पाया हूं गाइस, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो सबसे पहले सॉरी मांगना चाहूंगा एट द स्टार्टिंग में। एंड गाइस, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं कि आपको मैंने जब लास्ट में लाइव आया था आपको मैंने बोला था कि ITBP कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के रिजल्ट को लेकर अपडेट आया है, तो उसी के ऊपर दोस्तों ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा और मैं अब शुरू करता हूँ। गाइस, जो अपडेट मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है दोस्तों फाइनलाइज कर दिया गया है, लिस्ट तैयार हो चुकी है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसकी जो लिस्ट है, रिजल्ट की जो लिस्ट है, जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं बच्चे कैंडिडेट्स, उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है वेबसाइट पे। बहुत ही जल्द ऑफिशियल डेटा के साथ लिस्ट आने वाली है। रिजल्ट्स के बारे में बात करूं कि रिजल्ट्स कब तक आएंगे, आप कब तक चेक कर सकते हो दोस्तों, विद इन 3 वीक्स, यानी कि नेक्स्ट मंथ के 21 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये है ऑफिशियल अपडेट, ठीक है दोस्तों। 21 तक इसका जो है आपका रिजल्ट आने के चांसेस 100% है। 21 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, किसी कारणवश अगर वो डिले कर दे तो इसमें हमारी भी गड़बड़ी नहीं, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। कोई भी चीज होती है टेंटेटिव रहती है दोस्तों, लेकिन ये टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस बार मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप मेरी वीडियो को बार बार चेक भी कर सकते हो, मैंने बोला कि वीडियो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये टेंटेटिव नहीं है, ये बिल्कुल प्रूव्ड है। 21 तारीख तक आपका रिजल्ट आएगा, किसी कारणवश अगर नहीं आया तो वो डिले होगा। 21 तारीख तक इसका जो अभी अपडेट मुझे पता चला कि 21 जुलाई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। लिस्ट जो है बच्चों की, शॉर्टलिस्ट बच्चे जो हो रखे हैं रिटन टेस्ट के लिए, उनकी लिस्ट निकल चुकी है। और काफी बच्चों को कमेंट कर रहे थे कि भैया कट ऑफ कितनी जा सकती है, स्टोर कीपर की या फिर सफाई कर्मचारी की, वाटर कैरियर की, कुक की, मसाल, जो भी है, जितने भी ट्रेड्स थे। तो उसके लिए दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है अपने चैनल पे, मैंने कट ऑफ बता दी हुई है कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों। अगर आपके उस कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हो तो आप फिर सही हो, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एक दो नंबर आगे पीछे भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये अभी इसका अपडेट है कि 21 जुलाई तक इसका रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रमाणित कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है एंड अपना आपको नंबर्स चेक कर लेने दोस्तों, ठीक है। सो गाइस, यही था मेरा कंसर्न। और काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे जब मैं लाइव भी आया था कि सर आपके मार्क्स कितने हैं। गाइस, मेरे मार्क्स 38 to 42 के बीच में गाइस, ठीक है। और अगर मेरा होता भी है तो स्टिल गाइस मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ ITBP, क्योंकि मैं कोई और काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे एक बेटर इन्वायरमेंट मिल रहा है, फ्यूचर सिक्योरिटी मिल रही है दोस्तों, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है। सो मैं नहीं करूँगा एंड मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ गाइस। और कुछ बच्चे बोलेंगे आपने फॉर्म भरा क्यों, मैंने इसलिए फॉर्म भरा ताकि मैं एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ, अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ। उस समय अगर मेरी अब भी कुछ अच्छी जॉब नहीं लगती समथिंग वगैरह तो मैं शायद ITBP को ही देखता, लेकिन अभी मेरी लग चुकी है। मैं काफ़ी समय से तैयारी कर रहा था MNC में ज्वाइन करने के लिए, MNC मुझे मिल चुकी है। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा प्यार दिया गाइस, ठीक है। एंड 21 जुलाई तक इसका रिजल्ट जो है वेबसाइट के ऊपर लग जाएगा, आपको नोटिस मिल जाएगा। सिंपली आपको अपना कैप्चा डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, अपना अकाउंट चेकआउट करना है एंड 21 जुलाई तक आपको का रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो ये था इसका ऑफिशियल अपडेट। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो 21 जुलाई है टेंटेटिव नहीं है, इट्स ओरिजिनल ऑफिशियल अपडेट। बस एक सेकेंड, ट्रैक्टर आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बन है, एक मिनट हो जाए। एक सेकेंड रुक जाओ, ट्रैक्टर जा रहा है। चलो ट्रैक्टर तो गया, अब तो सॉरी गाइस आपके मैंने 6 सेकंड ले लिए। सो 21 जुलाई तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ टेंटेटिव नहीं है, अगर डिले हुआ वो अलग चीज़ है, उसके साथ एक प्रमाणित चीज़ आएगी कि डिले क्यों हुआ, उसके रीज़न भी आएगा डिले क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों और एक और बात आपको बोलने जा रहा हूँ, आने वाले समय में 2021 से लेके आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले सालों में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट निकली है गाइस। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की CRPF, ITBP, BSF, SSB, NIA, SSF एंड और भी जितने भी असम रेफल्स, इनमें सबसे ज़्यादा
आपकी कॉन्स्टेबल ट्रेड्स में ना टेक्निकल की पोजीशन निकल रही है, सीआरपीएफ में 12,000 समथिंग वैकेंसी का प्रपोजल रख दिया गया है दोस्तों, उसको अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं सीआरपीएफ के बारे में बताऊं, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल की पोजीशन के बारे में बताऊं, क्या अमेंडमेंट जारी किया गया है अभी फिलहाल किचन स्टाफ के लिए एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द ईयर 2021, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सीआरपीएफ के लिए वीडियो के लिए कमेंट कर दें, ये मत लिखें हाँ सर सीआरपीएफ की वीडियो बनाए, ये लिखना ठीक है। एंड गाइस 21st of July तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, इट्स ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट ऑन द वेबसाइट बट आई एम टेलिंग यू गाइस, सो इसलिए वेट कीजिए एंड होप फॉर द बेस्ट आपका हो जाए। एंड आपको मैंने बता दी मेरे मार्क्स कितने और मैं ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहता, ये वैलिड रीजन है। स्टिल अगर आपके मन में कोई बात आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड फिर से अगर कोई गलत कमेंट करेगा तो उसको चैनल से मैं ब्लॉक कर दूंगा हमेशा के लिए, वो कभी कमेंट नहीं कर पाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।